Press the bell icon and never miss an update from Bollywood Now. बिग बॉस सीजन 11 को अभी कुल मिलाकर 3-4 दिन ही हुए हैं और इतने ही दिनों में सेट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हो गई है, जिसकी वजह से घर वाले तो नहीं बल्कि बाहर वाले ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे प्रियांक के क्लोजनेस की खबरें विद हिना खान एंड विजय बिनाफ्शा हैज अफेक्टेड हिज गर्लफ्रेंड दिव्या, जिनसे इस बारे में पूछा गया तो उनका कुछ इस तरह से जवाब आया। हिना खान इज अ सीनियर सीरियल एक्ट्रेस, प्रियांक मस्ट बी लाइक अ बेबी फॉर हर, दिस इज कम्प्लीटली बोगस, द प्रॉब्लम इज दैट एवरीवन वांट्स टू सी प्रियांक गो द रॉन्ग वे, आई डोंट नो व्हाई एंड इट इज स्टूपिड, दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द गर्ल हु दे आर टैगिंग, बिनाफ्शा और हिना डोंट दे हैव अ कैरेक्टर ऑफ देयर ओन, दे आल्सो हैव बॉयफ्रेंड्स, स्प्लिट्सविला वाज डिफरेंट, बिग बॉस इज नॉट द सेम, हिना खान इज अ मैच्योर लेडी एंड केयर्स अबाउट हर रिलेशनशिप्स आउटसाइड बिग बॉस, एंड प्रियांक इज अ स्मार्ट मैन एंड वोंट डू एनी बुलशिट थिंग्स लाइक दिस। Vikas is a very good friend of Priyank and the best part is he knows me very well. We almost used to hang out every day together. So I don't know why he is making such loose comments even after knowing that Priyank and I are together. She added on to say, Priyank is in Big Boss. You can't expect him to sit and not talk to anyone. Binafsha and Priyank are very good old friends. It's a good thing that they went in together. And Binafsha is Varun Sood's girlfriend and they have a very strong connection. I'm very upset with everyone who's saying that. Splitsvilla has been over for 4 months now. We are both genuinely with each other. We fell for each other. We are not insecure. We trust each other blindly. None of us will do anything that will hurt the other. चलो दिव्या ने इतना सब कहकर सारी बातें क्लियर कर दी है। We hope कि आपका भरोसा ऐसे ही बना रहे शो के एंड तक। आपका क्या कहना है? बताएं हमें अपने कमेंट्स के जरिए।